Investing in early childhood nutrition is a surefire strategy and the returns are incredibly high. Namaste everyone, स्वागत है आज के वीडियो में. फ्रेंड्स, जहां 6 टू 12 मंथ्स के बेबीज़ की ना सिर्फ डाइट की वैरायटी बल्कि टेक्सचर में बहुत से बदलाव होते हैं जैसे जैसे ये बेबीज़ ग्रो करते हैं, वहीं 12 टू 15 मंथ्स की एज तक आते आते बेबीज़ तैयार हो जाते हैं सॉलिड फूड की वैरायटी के लिए, साथ ही लगभग हर वो पोषण से भरपूर फूड वैरायटी के लिए जो हम एडल्ट्स खाते हैं. इस ट्रांजिशन फेज के दौरान जहां बच्चे सॉलिड फूड और फैमिली फूड की बहुत सी वैरायटी ट्राई करने के लिए, एंजॉय करने के लिए तैयार हो रहे हैं, आपको बेबी की डाइट में फूड की वैरायटी का चुनाव कुछ इस तरह करना है जो बच्चे के लिए हेल्दी हो, पोषण से भरपूर हो, बच्चे की सही ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये योगदान दे. साथ ही बच्चे की डाइट में आपको वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स और फ्लेवर्स यहाँ पे ज़रूर से ऐड करने हैं, क्योंकि बच्चा इस समय में सेल्फ फीडिंग के लिए तैयार हो रहा है. गुड ईटिंग हैबिट्स को बढ़ावा देने में ये योगदान देता है. फ्रेंड्स, यहाँ एक और ज़रूरी बात ये भी है, क्योंकि बेबीज़ का टमी स्मॉल होता है, वो हम एडल्ट्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी क्वांटिटी में खाना खाते हैं, तो उनकी सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उन्हें पोषण से भरपूर न्यूट्रिशन डेंस खाना देना यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं 15 मंथ्स यानी 15 महीने के बेबी का डाइट चार्ट, पोषण से भरपूर फूड की वैरायटी जो बच्चे की सही ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़रूर से योगदान देगी. और इसी के साथ हम जानेंगे कि किस तरह की न्यूट्रिशन डेंस फूड वैरायटी आप बच्चे को किस किस समय में दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में देना है, किस तरह की फूड वैरायटी देने से आपको यहाँ पे बचना है. तो चलिए फिर आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत. और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़रूरी जानकारी को परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए बच्चे के लिए सही पोषण, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़ी सही गाइड के लिए. लेट्स बिगिन, कीप वॉचिंग. फ्रेंड्स, बेबीज़ के लिए हेल्दी डाइट चार्ट जानने के पहले यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगी कि हर बच्चे की एपेटाइट अलग होती है, यानी हर बच्चे की भूख अलग होती है. यहाँ पे हर बच्चा अलग क्वांटिटी में खाता है, तो अगर आपका बच्चा पिकी है या दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में थोड़ा कम क्वांटिटी में खा रहा है तो उसकी स्ट्रेस मत लीजिए. इसकी बजाय आप फोकस कीजिए कि आप बच्चे को न्यूट्रिशन डेंस खाना वैरायटी में दे रहे हैं जो कैलोरी से भरपूर है. चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं 15 मंथ्स बेबीज के डाइट चार्ट में ब्रेकफास्ट की यानी सुबह के नाश्ते की. बेबी को पोहा दीजिए, सांभर दाल इडली दीजिए, पालक का पराठा दे सकते हैं, उबला हुआ अंडा, ऑमलेट, ओट्स का दलिया आप दीजिए, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, केला या एप्पल आप ऐड कीजिए. इसके अलावा बच्चे को आप मूंग दाल चीला दे सकते हैं, सेवई की खीर ड्राई फ्रूट्स के साथ दीजिए. हेल्दी होने के साथ साथ ये एनर्जी भी देगा. मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ आप घर का बना हुआ बटर दे सकते हैं, रागी का दलिया बच्चे को दीजिए, उबले हुए चने या छोले आप बच्चे को यहाँ पे दे सकते हैं. पोषण से भरपूर होने के साथ साथ हाई कैलोरी वाले 15 मंथ्स बेबीज़ के दोपहर के खाने को यहाँ पर जाने तो आप बेबी को दही चावल दे सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल चावल यहाँ पे दे सकते हैं, आलू का पराठा दीजिए आप घर के बने हुए प्लेन दही के साथ, कढ़ी चावल दीजिए, राजमा चावल दे सकते हैं, लौकी की सब्जी रोटी के साथ दीजिए, ब्रोकली की सब्जी भी यहाँ पर दे सकते हैं रोटी के साथ, दाल रोटी आप बच्चे को ऑफर कीजिए, मैश कर सकते हैं, बेबी के लिए चबाने में आसान रहेगा. गोभी का पराठा भी यहाँ पे दिया जा सकता है घर के बने हुए प्लेन दही के साथ. आलू मटर की सब्जी रोटी के साथ आप बच्चे को ऑफर कीजिए.
बेबीज़ को डिनर आप लगभग 7 से 8 बजे के बीच में ऑफ़र कर सकते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ अगर खाना हल्का होगा तो बेबी के लिए यहाँ अच्छा रहेगा। 15 मंथ्स बेबीज़ को डिनर में आप दाल चावल दे सकते हैं, मूंग दाल खिचड़ी दीजिए, मिक्स वेजिटेबल दलिया ऑफ़र कर सकते हैं, पालक की खिचड़ी दीजिए, बहुत हेल्दी और लाइट रहती है, मिक्स वेजिटेबल सेवई बेबी को दीजिए, पास्ता दे सकते हैं यहाँ सब्जियों के साथ, आलू पालक की सब्जी, बैंगन की सब्जी, शकरकंद की सब्जी आप रोटी के साथ मैश करके बेबी को ऑफ़र कीजिए, और इसी के साथ ही सांभर दाल डोसा के साथ बेबी को आप दे सकते हैं। थ्री मेजर मील्स के अलावा बेबी को आप 2 स्नैक्स ऑफ़र कर सकते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, लंच और डिनर के बीच में। वैरायटी यहाँ पे आप रखिए बहुत से फिंगर फूड्स की, बहुत सी वैरायटी में स्नैक्स आप बेबी को दे सकते हैं। दही के साथ फल दीजिए, प्लेन दही में आपको फ्रूट्स के पीसेस ऐड करने हैं, शुगर यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। रोस्टेड पनीर आप दे सकते हैं छोटे पीसेस में कट करके, चीज़ टोस्ट दीजिए, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स आप दे सकते हैं छोटे पीसेस में कट करके। इसके अलावा खजूर दीजिए आप बीज निकाल के छोटे पीसेस में कट करके, उबले हुए मटर दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, ब्रोकली दे सकते हैं स्मॉल पीसेस में, ऑरेंज, कीवी, पाइनएप्पल स्मॉल पीसेस में कट करके दीजिए एज अ फिंगर फूड। खीरा और टमाटर भी यहाँ पे दे सकते हैं छोटे पीसेस में कट करके। ये सभी वैरायटी बेबी के खाने को इंटरेस्टिंग बनाती है, सेल्फ ईटिंग हैबिट यहाँ पे डेवलप करती है। इन सभी के अलावा आप उबला हुआ शकरकंद, कद्दू या शिमला मिर्च की वैरायटी दे सकते हैं यहाँ पे छोटे पीसेस में। ड्राई फ्रूट्स बेबी को ऑफर कीजिए, सोक किए हुए यानी भीगे हुए बादाम पीसेस में कट करके आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, बेबीज़ के मेजर मील्स और फिंगर फूड की हेल्दी न्यूट्रिशन से भरपूर हाई कैलोरी फूड वैरायटी को हमने जान लिया। अब जान लेते हैं किस तरह की फूड वैरायटी आपको बेबीज़ के लिए कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। स्वीट शुगरी ड्रिंक्स बेबी को बिल्कुल भी नहीं देनी है। स्वीट स्नैक्स, बिस्किट्स एग्जाम्पल के लिए, चॉकलेट, क्रीम बिस्किट्स, डोनट्स आपको अवॉइड करनी है। किसी भी तरह का तला भुना खाना या जंक फूड बेबी को नहीं देना है। व्हाइट शुगर बेबी के फूड प्रिपरेशन में आपको ऐड नहीं करनी है। और इसी के साथ ही दिन भर में आप बेबी को 1 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं दीजिए। सॉल्ट का यूज़ यहाँ पे लिमिटेड रखना है। फ्रेंड्स, लास्टली यहाँ पर जान लेते हैं 15 मंथ्स के बेबी को दिन भर में कितना खाना आपको ऑफ़र करना है। वेल, इसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट या क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है क्योंकि हर बच्चे की भूख या एपेटाइट यहाँ पे अलग होती है। बेबी को दिन भर में 3 मेजर मील्स आपको देने हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इसके साथ 2 स्नैक्स यहाँ पर आप बच्चे को ऑफ़र कीजिए। बच्चे को प्लेंटी ऑफ वेराइटी में आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स और साथ ही मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स देने हैं। बेबी को दिन भर में लगभग 1000 कैलोरी की यहाँ पे ज़रूरत होती है जो खाने के द्वारा पूरी होती है। एक एडल्ट पोर्शन से कंपेयर किया जाए तो इस एज में बच्चे को आप 1/3 से लेके 1/4 पोर्शन ऑफ एडल्ट डाइट ऑफर कर सकते हैं। बच्चे की भूख के हिसाब से उसे खाना खिलाइए। सो फ्रेंड्स, 15 मंथ्स बेबी के पोषण से भरपूर फूड की वैरायटी से जुड़ी जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। जाना हमने 15 मंथ्स ओल्ड बेबी का कंप्लीट डाइट चार्ट जो उनकी सही ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़रूर से योगदान देगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। बेबी हेल्थ से जुड़ी आने वाली बहुत सी सही और अच्छी जानकारी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।